वेलकम कमांडोस uh, अब हमारा डिस्कशन आगे इस टॉपिक एनिमल किंगडम को लेके मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन 2022 फ्रॉम द चैप्टर एनिमल किंगडम कैसे क्या रह सकता है वो मैं आपके साथ अब डिस्कस करूंगा बारी बारी से और आप लोग इस चीज के लिए तैयार रहे कि थ्योरी लेक्चर में आपने हर फाइलम के जो एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स और बहुत ही बारीकी से कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस जैसे 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 अलग अलग फाइलम बढ़ते गए हम लोग फ्रॉम लोअर टू हायर आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि वही सारे बेसिक फंडामेंटल्स को कंपेयर किया गया तुलना की गई परंतु बेहतर से बेहतर होते गए गौर करिएगा कमांडोस तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो नीट 2022 में आ सकता है इस चैप्टर से चार से पांच क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे ठीक है सेक्शन ए और बी मिला के अगर मैं बात करूं लेकिन अब आप इसको ध्यान दीजिए कि प्रीवियस एट टू नाइन इयर्स में जो क्वेश्चंस का ट्रेंड रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लियर है कमांडोस तो चलिए शुरू करते हैं द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन नीड टू फ्रॉम द चैप्टर फ्रॉम द टॉपिक एनिमल किंगडम क्लियर चलिए शुरुआत करते हैं और आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग सॉल्व किए होंगे खुद आप लोगों ने क्वेश्चंस लगाए होंगे लेकिन अगर आप लोगों से कहीं कुछ गलती भूल चुक हुई हो तो उस क्वेरी को आप मेरे एक्सप्लेनेशन के थ्रू ध्यान से समझें और उस एप्रोच को डेवलप करें कि क्वेश्चंस को रीड करते हुए कैसे हम लोग ऑप्शन को लागू करते हैं और जो प्रोबेबल आंसर होगा उसको हम चुनते हैं क्लियर क्योंकि आप है बायोमेंटर कमांडोस तो ध्यान रखिएगा शुरुआत होती है सबसे पहले क्वेश्चन के साथ टॉपिक एनिमल किंगडम सब स्क्रीन पे ध्यान से देखिए यस yes, कमांडोस इन विच वन ऑफ द जीनस नेम यस क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि आप देख सकते हैं पर्टिकुलर जीनस नेम दिया हुआ है कुछ दो कैरेक्टर्स उस जीनस से रिलेटेड और वो किस फाइलम के सही मैचिंग सही मैचिंग आपको शायद पूछे इसमें यस yes, कमांडो सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूं क्वेश्चन फॉलो करते हुए आपको यह फॉलो करना है कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है लिखा है ना मैच वेयर आज द रिमेनिंग थ्री आर करेक्ट लेकिन पूछा क्या है नॉट करेक्टली नॉट करेक्टली यानी आपको दिए हुए ऑप्शंस में से नॉट करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है ओके okay, कमांडोस तो सबसे पहले साइकॉन ये दोनों तो होता ही है ये सही है करेक्ट है इसलिए ये आंसर नहीं है क्योंकि आपको तो पूछा नॉन करेक्टली गया है क्लियर इसलिए अब आप ध्यान से देखिए जॉइंटेड पैरिप्लैनेटा ज्वाइंटेड बिल्कुल प्रोमिनेंट फीचर है बोल्ड लेटर्स में मैं हमेशा आपको बताया है कि एनसीईआरटी में आप देखेंगे हर फाइलम में कुछ की वर्ड्स की वर्ड बोल्ड लेटर्स में लिखे वही क्वेश्चन का मुद्दा बनता है उस बात को ही ध्यान में रखिए क्वेश्चन बनाया गया है तो यह भी सही है नाउ पायला

ध्यान दीजिए दैट इज थ्री थ्री इसका आंसर इस ऑप्शन में थ्री आंसर है क्वेश्चन नंबर वन थ्री इज आंसर क्लियर तो बाकी देखने की जरूरत नहीं स्पाइनी स्किन वॉटर वेस्कुलर एस्टेरियस स्टारफिश बिल्कुल सही है फिलहाल इसका आंसर है थ्री चलिए आगे बढ़ते हैं विच ऑफ फॉलोइंग ऑफ एनिमल्स आर सिमिलर टू ईच अदर ठीक है सही बात है विच ऑफ दर सिमिलर टू ईच अदर पॉटेनिंग टू द फीचर स्टेटेड अगेंस्ट देम मतलब वही अगेन क्वेश्चन को ध्यान से आप सब लोग देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ एनिमल्स मतलब जो सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स उन एनिमल्स में कॉमनली सही दिया है तो टेरोपस टेरोपस टेरोपसिंकस पैरिटी गलत क्योंकि ये तो क्या है पैरस मैमल ऑर्निथोरिंकस कौन होता है विवीप मैमल होता है क्लियर डगबिल्ड प्लेटिपस इसलिए सही नहीं है क्लियर नेक्स्ट गार्डन लिजॉर्ट क्रोकोडाइल थ्री चैम्बर्ड हार्ट लिजर्ट में तो थ्री चैम्बर्ड होता है क्रोकोडाइल में फोर चैम्बर्ड होता है याद करिए कमांडोस yes. तो नहीं है फिर मेटामेरिक सेगमेंटेशन बिल्कुल गलत हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों ही अनसेगमेंटेड कैटेगरी के एस्कैरिस और एनसाइक्लोस्टोमेटा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन सी हॉर्स एंड फ्लाइंग फिश यस दोनों ही मछलियां हैं और कोल्ड ब्लडेड है आंसर है डी आंसर है डी क्योंकि फीचर देम सही है और यह वो ग्रुप है जो सही आंसर है cold -blooded है क्योंकि दोनों ही है सी सी एंड फ्लाइंग फिश है, and, and flying fish भी एक फिश है और दोनों ही कोल्ड ब्लडेड होते हैं पोइकलोथम्स करेक्ट अगला क्वेश्चन विच ऑफ कैटेगरी ऑफ एनिमल इज करेक्टली डिस्क्राइब विथ नो सिंगल एक्सेप्शन गौर करिएगा कमांडोज़ मतलब वो पॉइंट ऐसा है कि वो अगर लागू है तो उस पर कोई एक्सेप्शन नहीं पाया जाएगा पॉइंट टू बी नोटेड क्वेश्चन को ध्यान से समझिए सब लोग है ना तो सबसे पहले जिसमें फोर चैम्बड है इसलिए आंसर नहीं होगा क्योंकि थ्री चम्बर्ड हार्ट क्रोकोडाइल में नहीं फोर चैम्बड होता है ऑल ठीक है आगे देख लेते हैं ऑल वेर मेरीन नहीं फ्रेश वाटर भी होते हैं एक्सेप्शंस कॉलेट सेल्स वाली बात है लेकिन मेरीन के साथ साथ फ्रेश वाटर भी होते हैं यस इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा ऑल मैमल्स आर वीवी पेरस एंडोजम डायफ्राम ऑल मैमल्स नहीं क्योंकि क्योंकि ऑर्निथोरिंग डग बिल प्लेटिपस ओवी पेरस मैमल है कैसा है ओवी पेरस मैमल तो फिलहाल आंसर होगा बी यस कमांडोज आंसर होगा बी चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आया है कि कोई एक्सेप्शन नहीं है तो बोनी फिश की बात जो है इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं बात बिल्कुल सही है इसलिए उनमें होगा फोर पेयर ऑफ गिल्स करेक्ट बी आंसर है विच वन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन बोथ इन ह्यूमन एंड अडल्ट फ्रॉग यस कमांडोस ध्यान से देखिए फोर चैम्बर्ड हार्ट नहीं इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं फ्रॉग्स में एक्सटर्नल होता है न्यूक्टेड आरबीसी फ्रॉग में में आरबीसी होता है ह्यूमंस होता है लेकिन दोनों के लिए कॉमन बात यह है इसलिए आंसर होगा डी क्योंकि दोनों ही अडल्ट ह्यूमन और अडल्ट फ्रॉग दोनों ही यूरियोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन होता है फ्रॉग जब अपने लार्वल स्टेज में होता है तो अमोनोटेलिक होता है क्लियर यस सो आंसर इज डी नेक्स्ट पॉइंट कमांडोज आगे बढ़ते हैं एंड इट्स क्लोज रिलेटेड फेरिटीमा मतलब अर्थवर्म की बात हो रही है अर्थवर्म एनालिडा है लेकिन याद करने वाली बात है वो सोइलीवोरस डेट्रीवोरस होता है यही बात यहां पर पूछा गया देखिए कमांडोस है कम ना ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं एनालिडा मेंबर है लेकिन उसका मोड ऑफ नेचर क्या है न्यूट्रिशन का वो है सोइलीवोरस डेट्रीवोरस इसलिए आंसर होगा डेल्टा डी कंपेयर टू दोस ऑफ द ह्यूमंस अगेन ह्यूमन से कंपेयर करें इराथ्रोसाइड इन फ्रॉग आर फ्रॉग में कैसा होता है न्यूक्लिएटेड विथ हीमोग्लोबिन यस ह्यूमन्स में ई न्यूक्लिएटेड विथ ग्लोबिन है ना न्यूक्लियस हट जाता है तब हीमोग्लोबिन ज्यादा स्टोर मैमल्स में लेकिन फ्रॉग में न्यूक्लिएटेड विथ हीमोग्लोबिन इसलिए डी इज दी करेक्ट आंसर सिंपल वेरी सिंपल Which group of to the same इस को solve करने के लिए कॉमन नेम बायोलॉजिकल नेता होना चाहिए ठीक तो है, है, ये है और ये कौन है एनालीडा इसलिए एक फाइलम के नहीं है प्रॉन स्कॉर्पियन लोकस्टस हाँ ये क्रस्टेशियन है प्रॉन कौन है क्रस्टेशिया मेंबर स्कॉर्पियन कौन है एरैक्डा लोकस्ट कौन है इंसेक्टा तीनों तीनों क्लास एक ही फाइलम के हैं, इसलिए यह सही आंसर है बी यस yes, कमांडोस बी इज द करेक्ट आंसर बाकी में भी ऐसा ही क्योंकि मॉस्क्यूटो एक इंसेक्टा अमीबा प्रोटोजोआ है मैरी ये दोनों प्रोटोजोआ है है ना मलेरियल पैरासाइट कौन है प्लास्मोडियम, कोई कॉम्बिनेशन एक फाइलम के हो ही नहीं सकते इसलिए ऑटोमेटिकली आंसर इसका बीटा है चलिए क्वेश्चन क्लास अगला क्वेश्चन देखते हैं वेरी इंटरेस्टिंग मैच द एनिमल कॉलम वन टू थ्री के साथ जो है मैच करें और बिलोंग करें और सही सही मैचिंग क्या हो रहा है दैट्स द क्वेश्चन तो कमांडोज इक्ोफिस एम्फीबिया होता है रेप्टाइल नहीं होता इसलिए गलत है ना और वो एक्वाटिक होंगे एम्फीबिया टेस्टिल नहीं होते लिमुलस यहां तक तो सही है लेकिन पीसीस थोड़ी होते हैं ये आर्थोप्रोड है, आर्थो है किंग क्रैब लिमुलस एडेम्सिया रेडियल सिमेट्रिकल ठीक है लेकिन सिलेंट्रेट है इसलिए यह भी गलत है सही कॉम्बिनेशन निकला फोर फोर इज द करेक्ट आंसर डी डी इज जो फोर्थ ऑप्शन है पेट्रोमाइजोन एक्टोपैरासाइट होता है ब्लड सकिंग सेंग्विवर और साइक्लोस्टोमेटा इसलिए यह सही आंसर है फोर्थ इज द करेक्ट आंसर डेल्टा विच ऑफ आर करेक्टली मैच विथ रिस्पेक्ट टू दियर टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन वेरी इंटरेस्टिंग कमांडोस और यहां आप देख सकते हैं कि हमेशा मैंने आपको थ्योरी पढ़ाते हुए पहले बोल दिया था पूरे 96 सिक्स एग्जाम्पल्स पूरे 96 सिक्स एग्जाम्पल्स उनके बायोलॉजिकल कॉमन नेम के साथ आपको पता होना चाहिए तभी ऐसे क्वेश्चन आप कर पाओगे और यही क्वेश्चन टेक्सोनॉमी में आने की टेंडेंसी है कि सही टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन करेक्टली मैच क्या कर रहा है फिलहाल इसका आंसर होगा ये देख लीजिए ध्यान से हाउस फ्लाई सब इंसेक्ट्स के नाम है सेसे -से फ्लाई यहां तक इंसेक्ट सिल्वर फिश लेपिस्मा विंगलेस विंग्स नहीं होते लेपिस्मा, बुक कहते हैं एक इंसेक्ट का नाम है ये यस कमांडोस यानी ये सही है दिस इज द दि करेक्ट टेक्सोनोमिक प्लेसमेंट बीटा बीटा इज द आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन क्योंकि ये दोनों तो है और ये नहीं है फिर फ्लाइंग फिश कटल फिश ये इंसेक्टा है अगेन देखिए पीसीस थोड़ी है पीसीस से भी है मोलस्का मेंबर यस इसलिए आंसर होगा तो आप देख सकते हैं कि मैं इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल पा रहा हूं क्योंकि मुझको वो कॉमन नेम पता है और वो कॉमन नेम को उसके बायोलॉजिकल नेम से ऐड करके मुझे तुरंत याद आता है कि कौन किस फाइलम का है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही स्ट्रेटेजी है ध्यान रखिएगा कमांडोज

ठीक है लेमा इसका नाम है यही बात अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था ऐसे भी करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबके नाम में फिश लगा है लेकिन इनमें से कौन ट्रू फिश है कुछ यही ऑप्शंस रहने दिया जाए यही ऑप्शंस रहने दिया जाए पफर फिश की जगह पफर फिश की जगह फिश रख दे नाम है ना जेली फिश नाम रख देते लेट द ऑप्शन ए बी सी डी सिल्वर फिश जली फिश है ना पफर फिश की जगह ओके कमांडोज फ्लाइंग फिश कटल फिश विच ऑफ द ट्रू फिश ट्रू फिश कौन है फ्लाइंग फिश है जेलीफिश कौन है yes, जेली फिश कौन है? Who is फिश? Yes. सिलेंट्रेट, इसका नेम. सिल्वर फिश, इंसेक्टा फ्लाइंग फिश ये एक क्या बोलते हैं आपका बोनी फिश का नाम है फिर आता है कटल फिश कटल फिश कौन है मोलस्कन में सीपिया उसका नाम है तो ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकता है ध्यान रखिएगा कमांडोज कि ये आपके मेमोरी पावर पे है जितना आप एनसीईआरटी को नजदीक से पढ़ेंगे आपको ये सब याद हो जाएगा चलिए सिलेक्ट देंशन दैट रिप्रेजेंट्स बोथ मरीन मतलब ऐसा कौन सा कमांडोज मैं आंसर देने से पहले कहूंगा आपको याद आता है हर फाइलम के शुरुआत इसी बात से होता है कि उस फाइलम के मेंबर एक्वाटिक है मोस्टली मैरीन है मोस्टली फ्रेश वाटर है टेरिस्ट्रियल है हवा में उड़ने वाले एंड सो ऑन ये पॉइंट आप हटा नहीं सकते ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत है और हमेशा हर फाइलम में शुरू का लाइन यही लिखा है एनसीआरटी में और वो याद रहेगा पूरे ग्यारह फाइलम के तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन है ना ठीक है ये ये ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं प्लीज ध्यान रखिएगा सही तो मेरीन और फ्रेश वॉटर स्पीसीज ये ये तीनों में क्या खासियत है एक्सक्लूसिव मेरीन सीधी सी बात है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता दूं एक छोटी सी जानकारी आपको होनी चाहिए कि शुरू के जो नौ फाइलम है से लेकर उसमें तीन ऐसे फाइलम है जिसमें मेंबर्स एक्सक्लूसिवली एक हो गया आपको कौन एक एक्सक्लूसिव मेरी कौन यस कमांडोस टीडोफोरा देख लेना लिखा एक्सक्लूसिवली मेरी और ऐसे एकाइनोडर्मेटा में लिखा सब सब समुद्र फ्रेश वाटर को है ही नहीं क्योंकि समुद्र से बाहर ही नहीं निकल पाया इवोल्यूशन में वो वही रह गए क्लियर क्लियर कमांडोज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद करो थ्योरी में मैंने ये बताया था तो आंसर है निडेरिया क्योंकि मोस्टली मोस्टली एंड सम आर फ्रेश फ्रेश हाइड्रा फॉर्म है कमांडोज यस क्लियर ध्यान रखिएगा हाइड्रा इज अ फ्रेश वॉटर फॉर्म तो निडेरिया आंसर है डेल्टा इज द आंसर यस चलिए आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लैक सेल वॉल इनमें से कौन है जिनमें वॉल होगा ही नहीं यस कमांडोज गोरगोनिया सी फैन इज द आंसर बीटा सोचना ही नहीं है क्योंकि बाकी सब जो है बैक्टीरिया और बैक्टीरिया जैसे है जिनमें होता है सेल वॉल तो इसलिए सी फैन तो एक एनिमल है और एनिमल सेल में तो सेल वॉल होता ही नहीं है सो इजी सो इजी प्लीज ध्यान दीजिए ओके नेक्स्ट प्लेनेरिया हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन कमांडोस अगेन इसका आंसर बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी और मैं इसमें एक एड करना चाहूंगा एक क्वेश्चन में और बनाऊंगा आपके सामने चलिए ना आप थोड़ी देर के लिए कॉलम ए और कॉलम बी कर लेते हैं चलिए और सही मैचिंग ऑल करेक्ट मैचिंग बना रहा हूं मुझे याद कराना रिवीजन करा रहा हूं मैं आपको कमांडोस इट्स अ क्लियर कंसेप्ट आपने अलग अलग फाइलम्स में अपने गौर किया होगा कि थ्योरी लेक्चर में मैंने स्ट्रेस मैंने जोर दिया था कुछ फंडामेंटल बातों पर यस और वो फंडामेंटल बातें हर फाइलम में कुछ खास बातें कुछ खास घटनाएं सुनने को मिल रही हैं बोल्ड लेटर्स में लिखा है वही आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा ध्यान रखिए कमांडोज तो सी बात है मेटामोसर्थोप्रोडा सही बात है लार्वा लार्वा से जो है एडल्ट बनने की पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं मेटामोरफोसिस लार्वा क्या बोलते हैं आर्थोप्रोडा में इंसेक्टम में तो ये सबसे फिनोमिनल कांसेप्ट है आर्थोप्रोडा रीजनरेशन अभी अभी आंसर के अकॉर्डिंगली प्लेनेरिया एरिया

ओके okay, कमांडोस बिल्कुल गौर करिए गौर करिए कमांडोस चलिए आगे बढ़ते हैं अमेरिकन कार्टिलिज फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट यस टॉर्पिडो टॉर्पिडो बीटा इज द आंसर बिल्कुल डायरेक्ट जीके बेस क्वेश्चन है ये बिल्कुल जीके बेस क्वेश्चन है आपको ठीक है ट्राइगोन तो स्टिंग रे होता है स्टिंग स्टिंग रे बोलते हैं लेकिन टॉर्पिडो इलेक्ट्रिक ईल टॉर्पिडो

टेक्सोनॉमी एनसीआरटी बेस्ड क्वेश्चन दिस इज ना एनसीआरटी ध्यान नहीं दिया आपने एक्सोस्केलेटल स्केलर वही जो है ना एक्सोस काइटिन से बना हुआ यस कमांडो का काइटिन से बना हुआ जो कि हो, हो, होमो होमोपॉलीमर है ऑफ ऑफ एनएसिटाइल ग्लूकोसामाइन एनएसिटाइल ग्लूकोसामाइन मॉलिक्यूल का हो, होमोपॉलीमर कौन काइटिन है ना क्लियर उससे बना हुआ उनका एक्सोस्लेटिन ही उनका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है यह मेरा आपसे कहना है ओके okay, कमांडोज तो डेल्टा इसका आंसर है नेक्स्ट विच ऑफ दैरासाइट ऑफ ह्यूमन डस शो विपैरिटी ध्यान दीजिए कमांडोज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिर से मैं बोलना चाहूंगा ध्यान दीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग दैरासाइट ऑफ ह्यूमन डस शो पैरिटी कौन सा ऐसा परजीवी है जो इंसान के लिए परजीवी है अंत परजीवी एंडोपैरासाइट और वीवी पैरस डायरेक्ट यंग वन को है ना अंडे नहीं देते डायरेक्ट यंग वन बच्चे पैदा करते हैं फिलहाल दिए गए ऑप्शंस में से यस ये आया हुआ क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं और ये इसलिए इंक्लूड कर दिया जिससे कि आप इस बात को ध्यान रखें नीट टू में जो है बियॉन्ड एनसीआरटी जाके भी बेहतरीन क्वेश्चन एनसीआरटी के ही पॉइंट्स को घुमा फिरा के क्योंकि एनसीआर में जो एग्जाम्पल्स दिए वो तो अपनी जगह है ही लेकिन आप कोर्स में तो है ना स्कलमें तो उसी में से कौन सा गिवन एंडो पैरासाइट जो है क्योंकि उनमें तो सभी पैरासाइट होते हैं तो इंसानों में जो है ट्राइकिनेला जो है ये नेक्स्ट विच ऑफ रिप्रेजेंट्स द करेक्ट कॉम्बिनेशन एनी एक्सेप्शन बिना किसी एक्सेप्शन अपवाद के करेक्ट कॉम्बिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है ना जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं और रिस्पेक्टिव क्लास लिखे हैं यस कमांडोस आंसर इसका है प्लीज ध्यान दीजिए दैट इज थ्री थ्री क्योंकि सारे कार्टलिजनस फिशेस सारे जो फिशेस के लिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है एनसीआरटी का पॉइंट टू पॉइंट लाइनर क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट लाइनर क्वेश्चन है ये ध्यान दीजिए यही यही क्वेश्चन इस बात को साबित करता है कि वाकई में क्या आपने एनसीआरटी को ध्यान से पढ़ रखा है कि नहीं यस ध्यान दीजिए फिर से माउथ वेंट्रल सही बात है माउथ वेंट्रल होता है शार्क में आपने देखा ही होगा गिल्स विदाउट ओपरकुलम तो बोनी बोनीफिशर्स में पाए जाते हैं स्किन विथ है ना स्किन विथ प्लेकॉइड स्केल्स ये बात सही है अन परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड ये सारे फीचर्स एनसीआरटी में दिए हुए हैं आंसर इसका है थ्री यहां थ्री लिखा है मतलब सी इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन इसका आंसर है क्योंकि बाकी सब में कुछ ना कुछ गलत लिखा है जैसे एव्स में स्किन मॉइस्ट और ग्लैंडुलर नहीं होता ये तो एम्फीबियंस में होता है इसलिए गलत है मैमल्स मैमल्स मेमोरी ग्लैंड हेयर ऑन बॉडी टू पिन्स ऑफ लिम्स लेकिन लेकिन क्लास गौर करिएगा मेमोरी ग्लैंड हेयर ऑन बॉडी ठीक है किन में हेयर्स नहीं होते हेयर स्किन में नहीं होते यस कमांडोस, डक बिल प्लेटिस में हेयर नहीं होते है ना विदाउट एनी एक्सेप्शन बोला है फिर यहां सकिंग सर्कुलर माउथ जॉज एबसेंट यहां तक तो ठीक है लेकिन फिर क्या लिखा हुआ है पेयर्ड एपेंडिज लेकिन उनके एनसीआर पढ़ के देखो डिवॉइड डिवॉइड ऑफ ऑफ स्केल्स स्केल्स लिखा है एंड पेयर्ड फिंस कौन साइक्लोस्टोम इसलिए आंसर भी नहीं होगा यहां कोई एक्सेप्शन नहीं है यहां बिल्कुल ऐसा ही होगा कॉन्ड्रिक्स में नो no एक्सेप्शन इसलिए थर्ड आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट वीवीपेरस कौन सा एनिमल यस आई रिपीट कमांडोस ध्यान से देखिए इज नॉट वीवी पैरस लिखा है वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट इज ध्यान रखिएगा कमांडोज डेल्टा इज दिल्ड प्लेटिपस प्लेटिपस जो है वो वीवी पैरस नहीं होता है मैमल तो होता है लेकिन वीवी पैरस नहीं होता ओवी पैरस होता है ओके डेल्टा इज द आंसर डायरेक्ट क्वेश्चन मेटाजेनेसिस अगला क्वेश्चन देखिए कमांडोस मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा क्या मेटाजेनेसिस वर्ड एनिमल किंगडम में आपने सुना है यस फॉल्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है ना लाइफ साइकिल इज है है ना ना रिवॉल्विंग शिफ्टिंग फ्रॉम सेक्शुअल टू सेक्शुअल और सेक्सुअल टू एसेक्सुअल यानी पॉलिप मेडुसा को एसेक्सुअली बर्थ देता है और मेडुसा पॉलिप को सेक्सुअली जो है ओरिजिन में लाता है एग्जिस्टेंस में लाता है दिस इज वॉट वी कॉल मेटाजेनेसिस और यही बात यस कमांडोस सी ऑप्शन में लिखा है आंसर है सी मेटाजेनेसिस का डेफिनेशन पूछा गया है और ये सिर्फ और सिर्फ निडेरियंस में पाया जाता है एमांफ फाइलम निडेरिया सिलेंट्रेट्स क्लियर ओबेलिया फाइसिलिया आर द बेस्ट एग्जांपल यस कमांडोस आगे बढ़ रहा हूं मैं बॉडी हैविंग मेश वर्क ऑफ सेल्स इंटरनल कैविटीज लाइन विथ फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल्स और ये सब ठीक है ये फाइलम कहां पर पॉरीफेरा कैनाल सिस्टम समझाया गया है कमांडोज कैनाल सिस्टम सी इज दी आंसर जिस तरह से लिखा हुआ है ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किस फाइलम को मैच कर रही है स्पेशली फ्लेजिलेटेड सेल क्वानोसाइट कॉलर सेल ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए कमांडोज अ जॉलेस फिश विच ले एग्स इन फ्रेश वॉटर एंड ना एमोसिट लार्वा वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन एनसीआर टी साइक्लोस्टोमेटा में ये दिया हुआ है पॉइंट क्लियर कि वो समुद्र के होते हैं लेकिन जब भी उनका ब्रीडिंग सीजन स्पॉनिंग करते हैं तब वो फ्रेश वाटर नदी तालाबों की तरफ आते हैं अपने अंगवंश को वहां जो है बर्थ देने के लिए और फिर वो लौटते वक्त लौटते वक्त कौन वापस लौटता है उनके लार्वे लार्वे जो कि लेस डेवलप्ड है वो लौट जाते हैं लेकिन किन डेथ हो जाती है जो है उनकी डेथ हो जाती है यस yes. आंसर है पेट्रोमाइजोन यस पेट्रोमाइजोन ए इज द आंसर क्या कारण है नाउ वेरी टेक्निकल रीजन क्या आपको पता है इसका क्या कारण होगा कि भाई लार्वा लौट जाते हैं ठीक है ठेके? लेकिन उन, उनके जो पेरेंट्स की डेथ हो जाती है वो इसलिए क्योंकि वो कैसे होते हैं खून चूसने वाले सेंगूअर्स तो उनको खाने की नहीं मिलता वो है ना कि बड़े बड़े मछलियों का जो खून चूसेंगे वहां मिलता नहीं तो उनकी पूरी एनर्जी भूखमरी से क्योंकि अपने बच्चे को अपनी पूरी एनर्जी से पालने में जो है बर्थ देने में चला जाता है और खुद भूखे मर जाते हैं बच्चे लौट आते हैं लेकिन वो वहीं मर जाते हैं क्लियर ये कारण है ध्यान रखिएगा कमांडोज फिलहाल इसका आंसर क्या है ए पेट्रोमाइजोन नेक्स्ट विच ऑफ दि फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट इन फाइलम आर्थोप्रोडा आर्थोप्रोडा में इनमें से कौन सा फीचर नहीं है वेरी इजी डायरेक्ट क्वेश्चन डेल्टा क्योंकि ये तो एनालिडा में पाया जाता है निरीज है ना डेल्टा इस दंसर पैरापोडिया आर्थोप्रोडा का फीचर नहीं है बाकी सारे फीचर्स आर्थोप्रोडा के सो so सिंपल बिल्कुल जेनरल फाइलम कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन आपके सामने हैं

है ना पोजेस माउथ विथ अपर एंड लोअर जॉग क्या ये सबके लिए सही है है ना क्या सभी कॉर्ड कॉर्डेट दो तरह के होते हैं जॉलेस एंड जॉर्ड यस कमांडोस गौर करना यू कॉर्डेट्स भी दो तरह के वर्टिवरेट्स भी तो दो तरह के होते हैं जबड़े वाले और बिना जबड़े के एग्नाथा गेना एग्नाथा गेना तो यस yes, बात को देखिए विच ऑफ दल्ड है ना ऑल ट्रू फॉर दॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स तो यहां पर तो ऐसा नहीं है यहां ऊपर ये ये यह वाला यहां पर में सब में ऐसा नहीं है कौन अगेन यहां बोला नहीं एक्सेप्शन लेकिन बात तो सही है एक्सेप्शन तो है तो होल्ड करेक्टली मतलब पूरी तरह तो आंसर होगा टू बीटा इज द आंसर ध्यान रखिएगा कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप के साथ क्योंकि ये सबके लिए कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है आ गई मेरी बात समझ में सबको मेरी बात आ आज समझ में ही बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया लेकिन हल्का सा ये ब्रा, है ना, कहते ना ब्रेन इग्नाइटिंग क्वेश्चन है कमांडोज मैमल्स में मैमरी ग्रैंड है, है वो सब अपनी जगह सभी मैमल्स वीवी पैरस होने चाहिए सही है लेकिन एक्सेप्शन इसलिए पूरी तरह होल्ड ट्रू नहीं है ये कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में आंसर होगा बीटा कार्टिजिन सभी में होता है कौन कार्टिजिन फिशेस कॉन नो एक्सेप्शन ओके अगला क्वेश्चन कमांडोस विच ऑफ दॉट शेयर्ड बा कौन सा है जो नॉट शेयर एंड मैमल्स बोला जा रहा है तो वॉर्म ब्लडेड दोनों होते हैं ऑसिफाइड एंडोस्कलेटन दोनों में होते हैं ब्रीदिंग यूजिंग लंग्स बिल्कुल सही बात है, वी -वी यानी ये वी -वी है। लेकिन बर्ड्स तो ओवीपेरस ही होते हैं सब लोग इसलिए डेल्टा इज द आंसर बाकी तो सब मैच करता है बाकी सब मैच करता है लेकिन वीवी पैरिटी मैमल्स की फीचर्स है बर्ड्स ऑल एग्जिबिट वॉट ओवी पेरस तो डेल्टा इज द आंसर ट्वेंटी फोर का अगेन मैश कॉलम वन एंड टू फॉर हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन कमांडोस सबसे पहले तो फाइलम फाइलम आर्थोप्रोडक्ट ऐसे चले ना फाइलम के बाद क्लास आता है क्लास इंसेक्टा यस yes, बिल्कुल सही बात है फाइलम आर्थोप्रोडा तो डी डी किसके साथ टू के साथ डी टू के साथ ये देखिए क्लियर क्लास सी फोर के साथ तो ऑटोमेटिकली यस ऑटोमेटिकली फिर ए ए किसके साथ होगा दट इज है ना ऑर्डर डिपथेरा फैमिली मस्किडी तो ऑटोमेटिकली आंसर ए अल्फा इज द आंसर ए हाउस फ्लाई का कैरेक्टरिस्टिक्स क्लासिफिकेशन क्या है उसके बेसिस पे मैच द कॉलम करना था जो आपके सामने यह किया गया है आंसर है इसका ए चूज द करेक्ट स्टेटमेंट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑल मैमल्स आर वीवी पेरस ऑल मैमल्स आर वीवी वी पेरस ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पोजेस जॉज एंड पेयर्ड फिन ऑल रेप्टाइल्स हैव थ्री चेंबर्ड हार्ट ऑल पीसीज हैव गिल्स कवर्ड बाय ओपरकुलम यस कमांडोज बहुत ही इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को ध्यान से देख के समझिएगा तो करेक्ट स्टेटमेंट यही है क्योंकि बाकी सब में एक्सेप्शन है अगेन ध्यान देने वाली बात है कमांडोज ये क्वेश्चन एक बार सुन के ना ऐसा लगता है नहीं नहीं ऑल मैमल्स भी भी होते है, बात सही है लेकिन एक्सेप्शन लेकिन क्रोकोडाइल फोर फिर से okay, हैव गिल्स हाँ पीसीज नहीं होता इसलिए ये सब पूरे सही नहीं है करें ऑल साइक्लोस्टोम सही बात है आर जॉलेस ना साइक्लोस्टो मतलब जॉलेस फिश लाइक जॉलेस और पेयर्ड फिस्स भी नहीं है डो नॉट है इसलिए आंसर होगा बीटा नेक्स्ट केस ऑफ पॉरिफेरस द स्पॉन्जोसील इज इन केस ऑफ पॉरीफेरस द स्पॉन्जोसिलइंड बाय फ्लेजुलेटेड सेल्स कॉल्ड को वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सभी जानते हैं ना ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा एस, आपको याद रखना है फ्लेम सेल्स यही क्वेश्चन ऐसे पूछ कर पूछकर कैसे पूछ सकते हैं फ्लेम सेल्स कोइट और नॉट ध्यान रखिएगा मैंने क्या कहा कोर क्वानोसाइट्स फ्लेम सेल्स मैच करिए क्लोरागन सेल रेनिट सेल नीडोब्लास सेल अलग अलग फाइलम्स के जो उनके लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं यस दैट्स द पॉइंट तो ये एक क्वेश्चन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते से अचानक आपको पूरे एनिमल किंगडम में ऐसे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर्स याद आने चाहिए ये मेरा कहना चाहिए रेडुला हो गया और केबर्स ऑर्गन हो गया यह किसमें होता है ऐसे फटाफट फटाफट आपको ऐसे याद आना चाहिए क्लियर ओके कमांडोज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट दैटीट शेयर विद ऑल कॉर्डेट्स बिल्कुल सही बात है फेरिंग्स विद गिलेट सही बात है क्योंकि कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड होता है है ना और वेंट्रल ट्यूबुलर कॉर्ड कॉर्डेट्स में वेंट्रल नहीं डॉर्सल डॉर्सल होता है पीठ की तरफ तो ये सारे पॉइंट्स गलत है फेरेंजियल गिल्ड स्लेट कॉर्डेट्स में भी होता है और हेमिकॉर्डिट्स में भी होता है इसलिए तो हैमिकॉर्डेटा बाकी सब नॉन कॉर्डेट फीचर कॉर्डेटा फीचर क्या है ये पूछा है क्वेश्चन में इसलिए आंसर होगा सी यस कमांडोस विच एवंग दिस इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वाटिक मैमल्स ंग दिस इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वाटिक मैमल्स यस कमांडोस ध्यान से देखिएगा वेल्स डॉल्फिन सील क्योंकि बाकी सब में आप शार्क क्या है मैमल थोड़ी है यहां तक ठीक है लेकिन मैमल नहीं है यहां तक ठीक है यह भी मैमल नहीं है यह ठीक है लेकिन यह मैमल नहीं, नहीं है तो सी इज दी इज द आंसर अगेन यस कमांडोस विच ऑफ दिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ हॉर्स ये तो जी के बेस्ड आपको बस पता होना चाहिए बीटा ये मैंने आपको बता दिया है ना सरिसोडेक्टेला पी साइलेंट है ना इसको कहते हैं सरिसोडेक्टेला बीटा इज द आंसर विच ऑफ दिस एनिमल इज नॉट होमियोथम चलोन ये टर्टल रेप्टेलिया है बीटा बाकी सब होम्योथम्स है कंगारू कैमल चेलॉन इज टर्टल टर्टल इज रेपाइल वो कोल्ड ब्लडेड होगा इसलिए बीटा इज दंसर सिंपल और अगेन आपको यह क्वेश्चन किस बेसिस पे रूल तो पता होना चाहिए लेकिन पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है नाम से बायोलॉजिकल नेम से कि वो है कौन किस फाइलम किस क्लास का है दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन इसी तरह से आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे आइडेंटिफाई द वर्टिवेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज बाय क्रॉप गिजार्ड इन इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम कमांडो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं बता देना चाहता हूं आर्थोप्रोड में भी क्रॉप गिजार्ड होता है कॉकरोच में आप पढ़ते हैं कमांडोस ध्यान रखिएगा फिलहाल इधर जो क्वेश्चन पूछा है उसके कॉकरोच तो इंसेक्ट है आर्थोप्रोडो में लेकिन इधर जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं ये कॉर्डेट्स में दिए हुए अब कॉर्डेट्स में जितने भी होते हैं इनमें से तो एव्स बर्ड्स बर्ड्स में उनके डाइजेस्ट सिस्टम में क्रॉप स्टोरिंग ऑर्गन और गिजार्ड एक गिजारेटरी ऑर्गन की तरह होता है यस ए इज दी आंसर मैंने आपको फाइलम पढ़ाते हुए इस पर जानकारी दी थी ध्यान दीजिए कमांडो मैंने वहां यह बात क्लियर कर दिया था उस पर इस क्वेश्चन को ध्यान में रखी ऐसे पॉइंट आपको बताए गए हैं ओके विच ऑफ फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट अंडर गो मेटाबोरफोसिस सबसे पहली बात तो मेटामोरफोसिस किसमें नहीं होगा जिनमें लार्वा नहीं होगा क्वेश्चन लार्वा से बनना, लार्वा से बनने को कहते हैं उस प्रोसेस को। लेकिन अब इसमें आपको पता होना चाहिए इसलिए सी आंसर है सो so सिंपल बाकी सब में लार्वा होते हैं जिससे वो अडल्ट बनते हैं कंसिडर दीचर कंसिडर फीचर सही बात है है ना और उसके अकॉर्डिंगली अब आपको आंसर करना होगा करेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन ऑफ एनिमल ग्रुप विच फोज ऑर्गन सिस्टमेंटेशनोस देखिए याद करिए करिएमी में मेटाबेरिज्म बताते हुए मैंने बात आपके सामने रखा था जस्टिफाई किया था ए इज दी आंसर एन अडर कॉर्डेट सेगमेंटेशन बाकी सब बातें छोड़िए मेन है ये सेगमेंटेशन तीन ही तो फाइलम है जिनमें ये पाया जाता है इसलिए ये आंसर होगा सेगमेंटेशन है ना बाकी तो सब अनसेगमेंटेड है लेकिन फॉल्स सेगमेंटेशन सिर्फ एक क्लास सिस्टोडा फाइलम प्लेटी हेलम्स का क्लास सिस्टोडा स्यूडोमेटाबेरिज्म शो करता है दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट फिलहाल सेगमेंटेशन की बात होगी मेटाबेरिज्म की बात होगी तीन ही फाइलम्स में शो करते हैं इसलिए ए इज द आंसर अगेन मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान से देखिए सबसे पहले तो पायला रडुला बॉम्बिक्स इंसेक्ट मेल्पीजन टिब्यूल प्लूरोब्रैकिया कोम्ब प्लेट्स और टीनिया फ्लेम सेल्स तो करेक्ट आंसर होगा यस कमांडोस ध्यान से देखिए करेक्ट कॉम्बिनेशन जो आ रहा है वो आ रहा है दैट इज सेकेंड सेकेंड बी इज द आंसर बी इज दी आंसर सेकेंड आप देखिए यहां पर पायला रेडुला बॉम्बेक्स मेलपीजन ट्रिब्यूल ठीक है प्लूरो ब्रंकिया कोम्ब प्लेट्स एंड वन फ्लेमसेल्स बीटा इज द आंसर मैच द फॉलोइंग जेनरा विद रिस्पेक्टिव फाइलम जेनरा दिया हुआ है उनको उनके फाइलम से मैच करना है मतलब उनके बायोलॉजिकल नेम में पहले जीनस नेम होता है सबके जीनस नेम दिए हुए हैं और वो किस फाइलम को बिलोंग करते हैं आपको मैच करना है तो ये क्वेश्चन अगेन उसी बेसिस पे सॉल्व होगा मैंने पहले ही आप लोगों को कहा था कि रिस्पेक्टिव सारे फाइलम्स के जितने एग्जांपल्स बायोलॉजिकल कॉमन नेम आपको याद होने चाहिए तभी तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा यही इसकी स्ट्रेटजी है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का फिलहाल ऑफ्यूरा ऑफ्यूरा जो है एक एकाइनोडर्म है एक है ना फाइसेलिया इज अलट्रेट पिंक टाडा इज अस्का और प्लेनेरिया इज अ प्लेटी हलमस तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है येस कमांडोज ऑफ्यूरा थ्री के साथ बी फोर के साथ ठीक है फिर सी टू के साथ सी वन के साथ यानी थ्री आंसर होगा यस कमांडोस सी इज द आंसर यहां थ्री दिया हुआ है सी ऑप्शन इज द आंसर सी इज दंसर ये वाला ऑप्शन आंसर है मैच करके देखिए विच ऑफ द्स आर ट्रू सिलोमेट्स विद बायोलेट्रल ट्रू सिलोमेट्स विद बायोलेट्रल सिलोमेंट है ना बायोलेक्ट्रल सिमिट्री एनोलिड्स बायोलेक्ट्रल सिमिट्री और सिलोमेट होते ट्रू सिलोमेट होते अब आप कहोगे सर एकाइनोडम क्यों नहीं हो वो तो हायर फाइलम है अडल्ट वो लोग सेकेंडरी बाय बायरेडियल सिमिट्री होते है, जब वो लार्वा थे लार्वा थे तब बायोलिट्रल सिमेट्री थी ठीक है यस इसलिए ए आंसर होगा एनालिड्स बाकी एसकेलमी स्यूडोसिलोमेट होते हैं ये ए सिलोमेट होते हैं दिस इज द बेसिस ऑफ ये क्वेश्चन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से बना है कमांडोज मेरी बात आ रही है सबको समझ में ऐसे करके आपको ध्यान रखना है यस दिस इज अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन फ्रॉम टेस्ट्रोन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एनिमल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गनाइजेशन सिमिट्री सिलोम जर्म लेयर सेगमेंटेशन ये सब मैच करके इन पांच बातों को मैच करके क्वेश्चन बनता है ध्यान रखिएगा कमांडोज टेगरी एनसीआर टी के सबसे पूरे फाइलम्स में तो बता ही एनसीआरटी में आप जो अभी भीशन डिस्कस्ड है पहले दो ढाई पेजेस में वो ध्यान से एक एक लाइन से पढ़ के देखिएगा जिससे आपको याद हो जाएगा किस फाइलम में कहा से क्या पाया जाता है क्या कॉम्बिनेशन है क्लियर अंडरस्टूड ओके चलिए आगे बढ़ते हैं यस yes, कमांडोस ट्रल सिमेट्रिकल एंड ए सिलोमेट एनिमल्स आर एक्सम्पलीफाइड बायलेट्री सिमेट्रिकल ए सिलोमेट एनिमल्स सी कॉम्बिनेशन देखिए बायोलेट्रल सिमेट्री लेकिन एसिलोमेट पूरे एनिमल किंगडम में एकमात्र फाइलम जो ऐसा कॉम्बिनेशन शो करता है सो इजी एट भी और बायोलेट्रल सिमिट्री शुरू ही तो कहां से हुआ है ये वो मतलब मेन फोकस पॉइंट है जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं थर्टी तो का आंसर है ए प्लेटी हेल्बिंग नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट मैच अगेन अब वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बहुत ही ग्रेगेरियस एंड पॉलीफेगस पेस्ट मतलब बहुत ज्यादा खाता है है ना मतलब एक दिन में फसल के फसल खत्म कर देते हैं पॉलीफेगस ग्रेगेरियस माइग्रेशन करते हैं ग्रेगेरियस झुंड के झुंड साउथ अफ्रीका से शुरू करते हैं उन लोग मूव करना और पूरे इंडिया पाकिस्तान यहां से होते हुए जो आते हैं और आई मेरी बात समझ में साउथ अफ्रीका के वहां से शुरू करते हैं इन लोग तो दैट इज तो एक का मैचिंग कौन है लोकस्टा तो ऑटोमेटिकली ए आंसर है ये ऑप्शन आंसर होगा क्योंकि फोर का कॉम्बिनेशन और कोई है ही नहीं बाकी मैं मैचिंग करूंगा लेकिन ध्यान दीजिए आंसर मैंने पहले ही आपके सामने निकाल लिया टाइम सेव करने के लिए ए आंसर है ए मैचेस विद फोर अडल्ट विथ सिमिट्रियन लार्वा विद बायोलेट्रल कैनो यानी अपने आप ये आंसर होगा जब वो अडल्ट होता है रेडियल और जब वो लार्वा था बायोलेट्रल ये तो सिर्फ एकाइनोडम एस्टेरियस स्टारफिश में पाया जा सकता है तो आप देखिए वन के साथ फिर बुकलंग्स बुकलंग्स किसमें होता है स्कॉर्पियन यस और बायोलुमिनेसेंस सभी टीनोफोरा कॉमन टीनोप्लाना टीनोप्लाना लिखा है, मतलब वो टीनोफोरा का मेंबर है तो बन गया ना ये आंसर ओके कमांडोस अगला क्वेश्चन

करेक्ट वर्टिवरेट में जो है नोटोकॉर्ड रहता है फिर तो वो वर्टिवल कॉलम बन जाता है इसलिए तो वर्टिवरेट ऑल वर्टिवरेट्स कमांडोस पूरी टेक्सोनॉमी में छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है ऑल टेप फॉर्म्स आर फ्लैट फॉर्म्स लेकिन हर प्लेटफॉर्म टेप फॉर्म नहीं होता करेक्ट ऑल वर्टिवरेट आर कॉर्डेट्स लेकिन हर कॉर्डेट वर्टिवरेट नहीं होता करेक्ट ऐसे करके आपको याद रखना है ये बात ठीक है हा नेक्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड होलो हाँ, ये बात भी सही है कॉर्डेटर इज डिडेड इंटू थ्री एंड कॉर्डेटर ट्यूनिकेटर गलत यानी बी और सी थर्ड इज दी इज थर्ड लिखा इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट है कॉर्डेटा से रिलेटेड बाकी ये दोनों गलत है अगला मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ध्यान से देखिए वांडोस क्या लिखा है सिक्स टू फिफ्टीन पेयर ऑफ गिल स्लिट्स किन में पाए जाते हैं ये हेट्रोसर्कल है ना हेट्रोसर्कल फिन वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट एयर ब्लैडर एयर ब्लैडर तो चलिए ऑस्ट्रोथिक्स में पाया जाता है एयर ब्लैडर किस में पाया जाता है ऑस्टोथिक्स तो सी किसके साथ कंबाइन कर रहा है फोर के साथ और कहीं है ही नहीं तो ऑटोमेटिकली फोर इज द आंसर डेल्टा क्यों क्योंकि सिक्स टू फिफ्टीन गिल्सलेट्स जो है यस yes. किस में पाए जाते हैं साइक्लोस्टोम हेट्रोसर्कल हेट्रोसर्कल कॉडलफिन कॉन्ड्रोथिक्स कोंड्रोथिक्स में पाए जाते हैं अलग-अलग फिन्स पीछे के छोटे बड़े होते हैं मतलब जो टेल फिन होता है छोटे बड़े होते हैं हेक्टो सर्कल कॉर्डल फिन कहते हैं कोंड्रोथिक्स कार्टिलेजस फिशेस में पाए जाते हैं क्लियर यस yes. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी से एयर ब्लैडर हेक्टो सर्कल कॉर्डल फिन्स कोंड्रोथिक्स और पॉइजनिंग स्टिंग स्टिंगरे हर को जानता ट्राइगोन इसलिए डेल्टा इज दी करेक्ट आंसर मैच द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम विथ रिस्पेक्टिव डिस्टिंग करेक्ट्रिस्टिक्स एंड करेक्ट ऑप्शन कमांडोज मैं बार बार कह रहा हूँ फाइलम लेवल जनरल कैरेक्टर्स के क्वेश्चन इस तरह से मतलब बारीकी से पढ़ने के बाद नहीं तो गलती होने के चांसेस बन जाते हैं पढ़ने के बाद भी लेकिन आपसे ऐसा नहीं होना चाहिए अगेन रिस्पेक्टिव फाइलम्स के नाम है सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल बॉडी विध ये गलत है।, है ना आपको ऐसे मैच करना है क्लियर रिस्पेक्टिव so, जो भी पूरी मैचिंग सही करना है तो सिलेंड्रिकल बॉडी विथ नो सेगमेंटेशन ये किसके साथ मैच करेगा मैच द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्टिव डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन तो सबसे पहले प्लेटी हेलमेंट्स के लिए क्या बात लागू होती है सिमेट्री विथ इनकंप्लीट डाइजेस्टिव इनकंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्लेटी हेलमेंट भी पाया जाता है करेक्ट एक्काउंस पर आ जाइए आ जाइए रेडियल सिमिट्री विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करेक्ट करेक्ट और हेमिकॉर्डेट्स में होता है सिलेंड्रिकल विथ नो सेगमेंटेशन करेक्ट और एव्स होते हैं ऐसा तो ऑटोमेटिकली यस कमांडोस ऑटोमेटिकली जो है आंसर बनता है सेकंड, सेकंड, बी इज द आंसर है ना एव्स क्या डायरेक्ट डेवलपमेंट उनमें भी लार्वा नहीं होता और हेमिकॉर्डेट्स टंग वॉर्म का डायग्राम एनसीआरटी में बना हुआ है सिलेंड्रिकल कोई सेगमेंटेशन नहीं होता यस विद नो सेगमेंटेशन हेमिकॉर्डेट्स में सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता ट्वेटी मींस बायलेटरल बायोलेट्रल विथ सो सही कॉम्बिनेशन सही मैचिंग करिए एंड दिस इज द आंसर थोड़ी देर पहले मैंने ऐसा कहा था पूरे एनिमल किंगडम में पढ़ के आप एक्सेप्शन पाएंगे लेकिन हर फ्लैटफॉर्म टेप फॉर्म नहीं होता यस क्योंकि क्योंकि जो जो सीडोमेटामिज्म करेगा वही तो टेप फॉर्म है फीता फीता क्रीमी कहते हैं मतलब टेप जैसा

जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनका नोटोकॉर्ड वर्टिवल कॉलम बन जाता है एडल्ट बनते बनते और ऐसे कोई हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं इसलिए बीटा इज इसलिए बीटा आंसर होगा हिंदी में ऐसा कहेंगे कि जिनका पृष्ठ है ना पृष्ठवंशी क्लियर वर्टिब्रेट्स वर्टिवरेट्स जो होते हैं क्लियर कशेरुख कशेरुख कहलाते हैं कशेरुख कहते हैं हम वर्टिब्रेट्स को कशेरुख पृष्ठवंशी होते हैं लेकिन पृष्ठवंशी जो है कशेरुक नहीं हो सकते वही कशेरुक, वही कशेरुक होगा जिनका नोटोकॉर्ड क्या बन जाएगा वर्टिब्रल कॉलम ये उसका मतलब है ये उसका आंसर है इसलिए बीटा इज इस द रीजन 43 का बीटा इज द आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज करेक्टली रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक कौन सा कौन सा ऑप्शन जो है सही रिप्रेजेंट करता है एनालिडा कमांडोस इस क्वेश्चन को देख के पहले मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि हर फाइलम की टेक्सोनॉमिक एट्रीब्यूट याद करिए मैंने बार बार थ्योरी में कहा था कि टेक्सोनॉमिक एट्रीब्यूट हर फाइलम के कॉम्बिनेशन में जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बातें लागू करते हैं उसी को टेक्सोनॉमिक एट्रीब्यूट कहते हैं क्लियर तो अगर ऐसी बात है तो इस क्वेश्चन को वैसे सॉल्व होगा एनलिडा के लिए क्या क्या बातें लागू होती है क्या वो ट्रिप्लो है सही है क्या वो सेगमेंटेड है सही है क्या वो बायोलेट्रल सिट्रिकल है सही है तो सी आंसर है सेगमेंटेड एंड सिमेट्रिकल, यस करेक्ट। बस बात खत्म। मैच द कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अगेन इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको रिस्पेक्टिव जो है उनके क्या पता होने चाहिए बायोलॉजिकल और कॉमन नेम अब इसमें जैसे आप मान के चलिए कैसे पेट्रोमाइजोन तुरंत लैंपरे पे ऐड कर दो डी विथ विथ थ्री ठीक है टेरोपस टेरोपस जो है बी बी किसके साथ मैच कर रहा है यस कमांडोस वन के साथ फ्लाइंग फॉक्स फ्लाइंग फॉक्स टेरोपस है ना बी विथ वन and file a with 4 and c with 2 तो ऑप्शन अपने आप four आ गया ये yes, commandos d is the answer ठीक है ये ऑप्शन साहब मैच करके देख लीजिए चलिए कमांडो अगला क्वेश्चन एनिमल्स विच आर ट्रिप्लोप्लास्टिक हैव ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप ऑफ बॉडी प्लान ट्रिप्लोप्लास्टिक ट्यूब विद इन ट्यूब एंड विच एम्ब्रियो फॉर्म ड्यूट्रोस्टोम एकाइनोडर्मेटा इस बात को ऐसे समझिए ट्यूब विद इन ट्यूब मतलब अंदर गट वॉल है ना एलिमेंट्री कैनाल और बाहर बॉडी वॉल इसको कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब यानी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है और उसमें ब्लास्टोपोर जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एक ओपनिंग होती है गैस्ट्रुला स्टेज में उससे पहले माउथ बनेगा कि एनस पहले एनस बनेगा बाद में माउथ तो उसको हम ड्यूट्रोस्टोमिक कंडीशन कहते हैं तो फिलहाल ये सारी बातें ट्रिप्लोरास्टिक ट्यूब विद इन ट्यूब विद बॉडी प्लान एम्ब्रियोनिक ये एम्ब्रियनिकोडम्स क्योंकि ऐसा तो सिर्फ दो ही फाइलम होते हैं एकांडोडम्स से लेकर कॉर्डेटा तक सो सिंपल ऐसे आपको याद रखना है क्लियर इसलिए इधर फिलहाल आंसर है क्योंकि बाकी सब के लिए जो है प्रोटो बाकी सब लोग क्या है प्रोटोस्टोमिक प्रोटोस्टोमिक -तो ध्यान रखिएगा कमांडोस इसलिए इसका आंसर है का डेल्टा एक्नोडम्स एंड कॉडेट्स आर एक्नोडम्स एंड कॉडेट्स हैलोम तो दोनों में होता है लेकिन एंट्रोसिलोमिक मतलब जो पर्टिकुलर मिजोडम है वो आउट पॉकेटिंग किस प्रोसेस से बना आउट पॉकेटिंग इसलिए वो होता है एंट्रोसिलोमिक अगर अगर वो स्प्लिटिंग करके बनता कैसे बनता स्प्लिट करके बनता तो वो कहलाता साइजोसील फिलहाल इनका सिलोम ट्रू सिलो में और बनने के तरीके बेसिस पे वो एंट्रोसील है है ना हीमोसील तो सिर्फ किस में पाया जाता है हीमोसील तो आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है और मोलस्का वगैरह में ठीक है ना हीमोसील और स्युडो सील, स्युडो सील किस में पाया जाता है किनकी बॉडी कैविटी को सिलोम सीडोसिल्क कहते हैं इसको देखकर याद करो कमांडोस फिलहाल इधर आंसर सी है लेकिन का अगर क्वेश्चन पूछ लेते जिस तरह से यहां तो है ना इन दोनों का नाम लिखा हुआ है और यही अगर पूछ लेते किस फाइलमस yes, तो आंसर ए हो जाता यह ध्यान रखने वाली बात है ट्रू सेगमेंटेशन मेटामेरिज्म अकर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन यस कमांडो सी इज द आंसर दिट्स जहां मेटामेरिज्म ट्रू सेगमेंटेशन की बात करते पहली बात एनालिडा में चालू हुआ मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज दिस्टिक्स ऑफ कॉम्बिनेशन देखिए यहां पर उसके अकॉर्डिंगली आंसर होगा सी सी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है मेटामेरिज्म इसलिए इसके क्वेश्चंस आपको ज्यादा प्रैक्टिस कराया जा रहा है याद कर लीजिए कवार्डोस अच्छे से स्पॉन्जेस इन विच सेल्स आर लूजली एग्रीगेटेड एंड डू नॉट फॉर्म टिश्यूर ऑर्गन्स वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एनिमल मेटाजोआ सब मल्टी सेलर लेकिन उसमें भी दो तरह पैराजोआ एंड यू मेटाजोआ और पैराजोआ कॉम्बिनेशन के एक फाइलम शो करता है पॉरीफेरा और पॉरीफेरा पे ये बात लागू होती है जो यहां पर लिखा हुआ है इसलिए उसको सब किंगडम में ग्रुप किया गया किनको स्पॉन्जेस पॉरीफेरा कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस और दे आर पैराजोआ सी Which of the following is not an example of porifera? ये सारे के सारे क्या है पॉरीफेरा है adempsia. क्योंकि ये तो एक सिलेंट्रेट है इट इज अलेंट्रेटा सी एनिमोन एडेम्सिया फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू फाइलम पॉरीफेरा फाइलम पॉरीफेरा से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है कमांडोस ध्यान दीजिए यस yes.

वाटर ट्रांसपोर्ट कैनल सिस्टम पॉन्जेस इज हेल्पफुल इन ऑल द एव ऑल द एव लाइफ लाइन जानते हो क्वेश्चन ऐसा आएगा लाइफ लाइन ऑफ पॉरीफेरा है ना लाइफ लाइन बोलते हैं इसको यस yes, कमांडोस है ना लाइफ लाइन कहेंगे लाइफ लाइन ऑफ पॉरीफेरा लाइफलाइन ऑफ पॉरीफेरा बोलेंगे इसको वाटर कैनाल सिस्टम को तो डेल्टा इज द आंसर नेक्स्ट इन फाइलम पॉरीफेरा डाइजेशन इज पॉरीफेरा में डाइजेशन कैसा होता है पॉइंट टू बी नोटेड पॉरिफेरा में डाइजेशन कैसा होता है दैट इज और यही क्वेश्चन पॉरीफेरा की जगह सिलेंट्रेटा मी मेक अ क्वेश्चन क्लियर कि सिलेंट्रेट अगर स्पॉडिफिकेशन सिलेंट्रेट निडेरिया लिखा होता तो पहले एक्स्ट्रा सेलर फ्री फिर सी आंसर हो जाता फिर सी आंसर हो जाता है टीनोफोरा हो चाहे है ना टीनोफोरा और सिलेंट्रेट के में उनमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है इसलिए क्लियर इसलिए उनमें जो है पहले एक्स्ट्रा सेल्यूर फिर इंट्रासेलुलर देखिए छोटी छोटी बातें क्वेश्चन बन जाता है और एनसीआर में पैराग्राफ पढ़ के देखिएगा इनको मजाक मत लीजिए सब कुछ पढ़ के जाएंगे लेकिन ये छोटी सी बात याद नहीं है क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे ओके कमांडोस क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं इन स्पॉन्जेस फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ठीक है फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट आप देख सकते हैं ये बातें जरूर ही आपको याद रखना है कि uh, हर फाइलम में इस क्वेश्चन को देख के आपने ये सीखा कि हर फाइलम में फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट के बारे में एक्सटर्नल इंटरनल इनडायरेक्ट डायरेक्ट जो लिखा है इसको एक अच्छे से तैयार कर लीजिए बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन पैटर्न है और जरा से के लिए आप जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में या तो गलती हो जाएगी या आपको छोड़ के आना पड़ेगा क्योंकि आप कॉन्फिडेंट ना हो ठीक है कमांडोस तो इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए इसका आंसर है यस yes, ध्यान से देखिए सी इंटरनल एंड इनडायरेक्ट सी इसका आंसर है कि उनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है इसका क्या मतलब है कि उनमें आरवल स्टेज मौजूद है बस इतनी सी बात है ओके कमांडोस चलिए इसका आंसर है सी अगला क्वेश्चन यू स्पोंजिया इज आल्सो नोन एज इज आल्सो नोन एज यू स्पोंजिया को क्या कहते हैं बाथ स्पंज डेल्टा इज द आंसर इन स्पंजस वाटर एंटर्स थ्रू डैश इनटू सेंट्रल कैविटी स्पंजस वाटर एंटर्स इनटू डैश कहां से ऑस्टिया से और निकलता क्या है मतलब कहने का मतलब है इनटू सेंट्रल कैविटी सेंट्रल कैविटी कौन है स्वाग? तो इसलिए आंसर डेल्टा होगा डेल्टा डेल्टा इज द आंसर ये आंसर है ऑस्टिया से तो एंटर करता है लेकिन जो सेंट्रल कैविटी ऑफ स्पॉन्जो सील होता है इसलिए डेल्टा इज द आंसर ओके कमांडोस स्पॉन्जेस आर एक्सक्लूसिवली ग करिए स्पॉन्जेस क्या होते हैं एक्सक्लूसिवली और मैं आपको बता दू मोस्टली कुछ रेडियल वाले भी होते हैं इसलिए ऑल ऑफ दीज आंसर नहीं होगा प्रिमिटिव मल्टीसेलर एक्सक्लूसिवली प्रिमेटिव मल्टी सेल्यूलर है यह एक्सक्लूसिव फीचर है ठीक है तो सी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइल पॉरिफेरा सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि में, है न, में animal kingdom में ऐसा और कहीं नहीं पाया जाता को साथ, साथ इनका कैनाल सिस्टम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ क्योंकि वो लाइफ लाइन है अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही कहा था ओके कमांडो सी इज द आंसर एंड फाइनली गैम्यूल की बात की गई है इंटरनल बर्ड गैम्यूल और उस गैम्यूल के अंदर ये सेल्स होते हैं जिससे पूरा पॉलिफेरन बॉडी सारे उसके रिस्पेक्टिव सेल्स बन सकते हैं ये है वो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कमांडोस क्लियर क्लियर तो दिस इज हाउ आई हैव कवर्ड इट सारे क्वेश्चन पैटर्न्स मैंने आपको है ना अमंग स्पेशली जो बताया आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है इसको हम और जारी रखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए और उम्मीद करते हैं एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी आपको समझ में आ गया है कि किस तरह से लाइनर क्वेश्चंस पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चन टेक्सोनोमी एनिमल किंगडम से आ सकता है वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है ठीक है सो ऑल द बेस्ट डू योर बेस्ट है ना यस yes.